इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। लखनऊ से है मायावती का अखिलेश और मुलायम पर बड़ा हमला। आपको बताते हैं भाजपा से खुलकर मिले हैं मुलायम सिंह यादव, ये कह रही है बसपा प्रमुख मायावती। मायावती का देखिए अखिलेश और मुलायम पर बड़ा ये हमला है, बड़ा आरोप है। भाजपा से खुलकर मिलने का आरोप लगाया है मुलायम सिंह यादव पर और अपने काम के लिए एक सदस्य भाजपा में भेजा है, मायावती ने यह भी कहा। और अखिलेश पर अपने कार्यकाल की योजनाओं के नाम बदलने का आरोप भी लगा दिया है। अब चुनाव के नतीजे घोषित, शपथ ग्रहण हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उससे पहले देखिए विपक्षियों में किस तरीके से खलबली है। एक तरफ अखिलेश यादव पहले ही बसपा को बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं, तो अब देखिए मायावती जो खुल करके आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी पर और मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या बड़ी बात कही है। देखिए उन्होंने कहा है, मायावती ने कहा है कि भाजपा से खुल कर मिले हैं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और मुलायम पर ही ये बड़ा हमला माना जा रहा है मायावती का। और उन्होंने कहा अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश ने उनके कार्यकाल की बसपा की सरकार जब थी, मायावती का जब कार्यकाल था, उस वक्त की तमाम योजनाओं का नाम बदल दिया, ये भी आरोप लगाया अखिलेश यादव पर। देखिए अब ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, मायावती का ट्वीट है, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं और संस्थाओं आदि के अधिकांश नाम बदले, जो अति निंदनीय शर्मनाक भी है। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं, जिन्होंने पिछली शपथ में अखिलेश को आशीर्वाद भी दिलाया है, ये वो कह रहे हैं अपने काम के लिए। पूरा ट्वीट उनका क्या है, क्या कुछ बड़ी बातें लिखी है वो हम आपको बता रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है देखिए। और तमाम योजनाओं का नाम बदलने का आरोप भी लगाया है मायावती ने अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि जो कृत्य समाजवादी पार्टी ने किया बेहद निंदनीय और शर्मनाक, बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह, जिन्होंने पिछली शपथ में अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया, अब अपने काम के लिए एक सदस्य को भाजपा में भेज दिया है, ये आरोप मायावती ने लगाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहा हूं।